हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे कैंडी टेक्स्ट इन सीएसएस। ये है प्यारा सा इफेक्ट टेक्स्ट का। ये ऐसे मूव हो रहा है, रिफ्रेश भी कर देते हैं। ये है ऐसा, आप अपने होम पेज पे मेन हेडिंग होता है वहां पे लगाओ, बहुत ही प्यारा इफेक्ट आएगा। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटी सी कोडिंग है, इसको हटा देते हैं। हमारा मेन कोड सबसे पहले हमें चाहिए, एक टेक्स्ट चाहिए बस, उसको हम डिव में रख देते हैं। क्लास कंटेनर जी आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है। मतलब अगर आपने सेंटर में टेक्स्ट लेके आना है तो कंटेनर में रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप H1 लिखो। इसको एक क्लास हम ऐड कर देते हैं, एनिमेट। यहाँ पे मुझे टेक्स्ट जो चाहिए मैं लिख देती हूँ, कैंडी टेक्स्ट CSS ऐसे कुछ लिख देते हैं। इसको कर देते हैं रिफ्रेश। अब चलते हैं सीएसएस में, सीएसएस को पहले कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखो लिंक रेल स्टाइल शीट और उसका नाम HRF इज इक्वल टू, मेरे पास सेम फोल्डर में है फाइल स्टाइल डॉट सीएसएस। ठीक है, यहाँ पे देखो आपने एक अलग से फाइल बना लेनी है। अलग से नहीं बनानी तो आपस एक ही पेज पे यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए फिर एक पे ही कर लेते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा मतलब एक्सटर्नल सीएसएस लगानी है तो आप ऐसे इसको ऐड करेंगे, मैं यहाँ पर ही कर दूंगी। इसको हटा देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टाइल टैग। सबसे पहले हमने सेंटर में लेके आना है, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी है। मैं मार्जिन इसका कर देती हूँ 0, पैडिंग कर देते हैं 0। उसके बाद बारी आती है हमारा मेन कंटेनर, उसका पहले बैकग्राउंड हम कलर कर देते हैं, ग्रे कर देते हैं। ये आ गया कंटेनर जिसके अंदर टेक्स्ट है, और कलर जो उसके ऊपर कलर है उसको हम वाइट कर देते हैं जो लिखा हुआ है, और बैकग्राउंड एक कोड लगाओ, कोई भी कलर लिख सकते हैं। अगर ये वाला लिखना है तो आप ये कोड लगा देना, कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद हाइट 100 BH, हाइट मतलब हमारी ये जो हमारी ये वाली है ना स्क्रीन, कितनी इसकी हाइट होनी चाहिए जिसमें टेक्स्ट नजर आएगा। डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स में, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। अगर आपने ये, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं ये वाला कोड आपने लगाना है। अगर आप चाहते हैं जिधर कोड है इधर है, आपको इधर ही चाहिए तो आप सेंटर में जहाँ पे नहीं लगाना चाहते तो ये कोड स्किप कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट साइज इसका रख देते हैं, ये आप लगा सकते हैं, फॉन्ट साइज ये थोड़ा बड़ा होगा तो ज़्यादा सही लगेगा, 2.6 EM। उसके बाद इसको एक फॉन्ट फैमिली ऐड कर देते हैं, फॉन्ट फैमिली का आप नाम रख सकते हैं, ये वाला ही लिख दो, ये भी सही है। सेंस सेरिफ। उसके बाद अब बारी आती है हमारा एनिमेट, मतलब जो हमारा टेक्स्ट है। सबसे पहले इसकी पैडिंग कर दो 10 पिक्सल, के बाद बैकग्राउंड इमेज वो जो आपको नजर आ रहा था ना वाइट एंड रेड कलर का जो मूव हो रहा था वो बनाएंगे, तो वो इमेज नहीं है, उसको हम लीनियर ग्रेडियंट के साथ बनाएंगे मल्टीपल कलर ऐड करके। मुझे चाहिए 90 डिग्री से वाइट कलर, 50% हो जाए, एक चाहिए रेड कलर 50%। बस चेक कर लेते हैं, ये कुछ ऐसा कलर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड साइज यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 15 पिक्सल, साथ में 15 पिक्सल, देख लेते हैं लुक कैसी आएगी, कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूँ 25, यहाँ से कर दूँ उसको 15 रहने देते हैं,
तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर इसको 25 कर दूं तो कुछ ये सही नहीं है। चलो इसके इसको आप अपनी मर्जी से लगाओ, ठीक है, कैसा दिखेगा। मैं 15 ही रखूंगी, लाइन थोड़ी ब्रीक लगेगी तो मूव होती हुई वो इजीली दिखेगी, कितना सही है। उसके बाद बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड क्लिप हम कर देते हैं इसको टेक्स्ट, और यहां पर मैं ऐड करूंगी कलर ट्रांसपेरेंट। ये देखो बैकग्राउंड क्लिप मतलब हमने बैकग्राउंड में एक टेक्स्ट लगाया हुआ है, ठीक है, और उसको हमने ट्रांसपेरेंट करना है। ट्रांसपेरेंट हो गया, अब ये लाइन मूव होगी तो हमारा टेक्स्ट नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन ऐड करो। अब एनिमेशन की बारी है, एनिमेशन कोई नाम रख दो, एनिमेशन का मूव रख दिया मैंने 80 सेकंड में, वो टाइम लेगी इतना कंप्लीट होने में। ये इसका मेथड है, इनफाइनाइट चलनी चाहिए। ये हो गई एनिमेशन, अब बारी आती है इसको वर्किंग में लाने की। तो वो होता है की फ्रेम के साथ, जो भी एनिमेशन का नाम रखा था वो लिखो। 0% पे जब स्क्रीन हो, 0% पे बैकग्राउंड पोजीशन एक्स एक्सिस से 0% रहेगी। ये किधर आ गया, यहाँ पे आएगा, ये एक साथ ही आएगा ऐसे। और की फ्रेम से 0% पे बैकग्राउंड पोजीशन, एक्स एक्सिस से 0%, 100% पे बैकग्राउंड पोजीशन आएगी, 100%। मूव होने लग गया, मतलब ये पैटर्न हो गया हमारा मूव। अब चलते हैं इधर, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने लिखा है बैकग्राउंड क्लिप, इसको अगर मैं लिख दूँ वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट हो गया। जब भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी सिंगल वर्क ना करे तो उसको इंपोर्ट कर लो वेबकिट के साथ। ये हो गया हमारा टेक्स्ट रैपिंग, जितना मर्जी टेक्स्ट ऐड करते जो वहां पर ये लगता रहेगा हर एक के ऊपर एनिमेशन इफेक्ट। यही था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।